हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को जल्दी बोलना कैसे सिखाएं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब बच्चे को बोलना सीख लेना चाहिए, क्या माइलस्टोन है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, और कब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, कब आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, यानी कि कब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, कब नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है, और क्या क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या ट्रिक आप आजमा सकते हैं जिससे कि बच्चे को बोलने में हेल्प हो, उसे आप हेल्प दें ताकि बच्चा बोलना सीखे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वीडियो बहुत हेल्पफुल है, एंड तक जरूर बने रहिए और बिना स्किप किए। रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर रोज लेके आते हैं, और घंटा बटन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अगला लेके आएंगे वो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ सके और आप वीडियो को देख सकें। और प्लीज़ इसे शेयर जरूर करना ताकि और भी पेरेंट्स की हेल्प हो, अगर पसंद आए तो प्लीज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेंगे कि क्या माइलस्टोन है, कब बच्चे को अचीव कर लेना चाहिए बोलना, मतलब से कब सीख लेना चाहिए, क्या माइलस्टोन होता है। पहले तो मैं बता दूं कि हर बच्चा अपने अलग अलग माइलस्टोन अलग अलग टाइम पे अचीव करता है। कुछ बच्चे 2 साल में बोलना सीख लेते हैं, 2-3 वर्ड क्लियर बोलना सीख लेते हैं, कुछ थोड़ा लड़खड़ा के बोलते हैं, कुछ को काफ़ी टाइम लग जाता है, 3 से 4 साल भी लग जाता है बच्चों को। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कब लेने की ज़रूरत है, किस स्टेज में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, इस बारे में भी हम बात। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो माइलस्टोन होता है, कब बच्चे को मतलब इस जो स्पीक स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये बोलते हैं कि उनका ये कहना है कि बच्चे को 10 मंथ में माँ पा दा ये जो एक वर्ड होता है वो बोल लेना चाहिए, एक मतलब आधा वर्ड उसको बोल लेना चाहिए। और जब वो 12 मंथ में आ जाता है, यानी कि 1 साल का हो जाता है, तब उसको 2 वर्ड चिपका के बोलने आने चाहिए, यानी कि 2 शब्द उसको बना के बोलना आना चाहिए, यानी कि माँ, मम्मा, पापा, दादा, मम्मम, ये बोलना आना चाहिए उसको। और 18 मंथ में उसको अच्छे से आना चाहिए कि मम्मा पानी और पापा पानी, मतलब 2 शब्द उसको आ जाने चाहिए, 2 शब्द का सेंटेंस आना चाहिए, यानी कि मम्मा और पानी, यानी कि 2 शब्द का उसको सेंटेंस और मीनिंग उसको आ जानी चाहिए। और 2 ईयर के आते आते, यानी कि 2 साल के आते आते, उसको 3 वर्ड का एक सेंटेंस बनाना, यानी कि बोलना आ जाना चाहिए, यानी कि मम्मा पानी 2, पापा खिलौना 2, पापा पानी 2, मतलब 3 वर्ड उसको का एक सेंटेंस उसको बोलना आ जाना चाहिए। ये स्पीच स्पेशलिस्ट का कहना है, ये एक मतलब माइलस्टोन होता है, उसको अचीव कर लेना चाहिए। पर हर बच्चे का माइलस्टोन अलग अलग होता है, उसका डेवलपमेंट ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही वो बोलना शुरू करता है, और आसपास का कैसा उसको मतलब परवरिश उसको दे रहे हैं आप, कैसा उसका परवरिश उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे आप हेल्प कर रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। तो क्या आपको ध्यान रखनी है, क्या बातें आपको फॉलो करनी है जिससे कि आप बच्चे को सपोर्ट कर सकें बोलने के लिए, एनकरेज उसे कर सकें, उसके उस सिखा सकें पर्टिकुलर समय में जो माइलस्टोन होता है उस समय में। जी हाँ दोस्तों, बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट इस चीज़ में लेते हैं, काफ़ी जल्दी वो हर चीज़ को सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि जो आस पास का जो भी माहौल होता है उनके लिए काफ़ी नया होता है, हर चीज़ को वो खेल के उसके जानने की कोशिश करते हैं, उसे पकड़ के उसको मुंह में डाल के या उसके साथ खेल के उसको जानने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो वो इस चीज़ को जल्दी अचीव करते हैं। और ये एक समय होता है जिसमें बच्चे काफ़ी जल्दी अचीव करते हैं इस चीज़ को, तो इसमें मेन रोल पेरेंट्स का होता है कि उसको समझें, उसकी फीलिंग को समझें और उसको सिखाने की कोशिश करें, ये चीज़ आपको करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसे बोलना सिखाना है उसको, अगर बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द शुरुआत करनी है, छोटे छोटे शब्दों, जैसे आपका बच्चा 1 साल का हो गया है, अभी तक माँ पा अभी नहीं बोलता है, तो उसको हालांकि उसको 2 मतलब शब्द बनाए जोड़ने आने चाहिए, 2 शब्द जैसे कि
मम्मा पापा दादा ये आ जाने चाहिए 12 मंथ तक, एक साल तक आ जाने चाहिए, पर वो नहीं बोल रहा है, माँ पा भी नहीं बोल रहा है, मतलब एक अटूटा फूटा जो शब्द होता है अधूरा वो भी नहीं बोल पा रहा है। तो आप उसको कैसे करें, उसको माँ पा शुरुआत में जो छोटे छोटे शब्द हैं वो बोलने सिखाएं, जैसे माँ पा दा, यानी कि खेल खेल के उसको, मतलब खेल खेल में उसके साथ खेल खेल के, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, तभी बच्चे खुश होते हैं, तभी उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और उस चीज़ को अच्छे से सीखते हैं और उनके दिमाग में वो चीज़ बैठती है। और क्या है, आपको दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपको बार बार उनको ये प्रैक्टिस करानी है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे बार बार उसके खेल, मतलब जब बच्चा काफ़ी एक्टिव है उस टाइम पे आप जब बच्चे से बुलवाएंगे ये चीज़ माँ पा खेल खेल में, जब भी बच्चा खेल रहा है या आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी जल्दी उस चीज़ को बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लगता है। तो उस टाइम आपको उनको बार बार प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं कि आप एक बार बोल के छोड़ दे रहे हैं तो बच्चा कैसे सीखेगा। दिन में कम से कम 5-6 बार उसको बुलवाएं ये चीज़, तो वो जरूर बोलेगा, क्योंकि बच्चों को काफ़ी अच्छा ये लगता है। और इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके, जब बच्चा माँ पा बोलने लग गया है तो मम्मा पापा ये धीरे धीरे उसको बोलना सिखाएं। हालांकि क्या होगा, शुरू में वो मतलब लड़खड़ाएगा या फिर क्लियर नहीं बोलेगा, ये नॉर्मल है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चे को प्रैक्टिस होते जाएगी, बच्चा मतलब उस चीज़ को क्लियर बोलने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बच्चा उस चीज़ को क्लियर बोलने लग जाएगा, तो आप धीरे धीरे वर्ड बढ़ाते जाएँ, जैसे फिर आप माँ पा उसने बोलना सीख लिया तो उसको मम्मा पापा दादा दादी और जो भी बच्चे को ईजी लग रहा है वो चीज़ करें। और उसके बाद उसको 3 वर्ड का शब्द, यानी कि सॉरी 2 वर्ड का शब्द, मम्मा पानी, पापा पानी, मम्मा खिलौना, या फिर और भी कुछ जो 2 शब्द के होते हैं जो कि डेली हम यूज करते हैं बच्चे के साथ खेलने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए, कोई भी हो सकते हैं वर्ड, वो आप बोल सकते हैं। और उसके बाद जैसे उसमें क्लियर हो जा रहा है, तो उसके बाद आप 3 शब्द का बनाइए कोई सेंटेंस, उसे बुलवाने की कोशिश कीजिए और बच्चे के साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली उसको एनकरेज करिए, उसके साथ मतलब एक ऐसा माहौल बनाइए कि जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट आए और वो उसको करे। और ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुली उसे बोल रहे हैं, इससे क्या होगा, बच्चे बिल्कुल भी बोलना नहीं सीखेंगे, वो काफ़ी मतलब उनका व्यवहार भी आपके प्रति काफ़ी रूढ़ हो जाएगा, काफ़ी मतलब उस चीज़ को चिड़चिड़े वो हो जाएंगे और एक हिसाब से जिद्दी टाइप से हो जाएंगे कि नहीं बोलना है। इसलिए फोर्स बिल्कुल नहीं करना है, आपको वेट करना है, पेशेंट रखना है। और अगर आपका बच्चा 4 साल के बाद भी नहीं बोल रहा है, यानी कि फिर भी उसको माँ पा बोलना भी नहीं आया है, तो तब आपको ज़रूर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ज़रूर आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले आप घर में उसको ज़रूर स्पीच जो थेरेपी जिसे बोलते हैं वो आप करवाइए, उसे प्रैक्टिस करवाइए, जिससे कि बच्चे को काफ़ी हेल्प होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी बुक्स भी आती हैं, काफ़ी टॉयज़ भी आते हैं इस प्रकार से, जिससे कि आप उसको दिखा के बच्चे को, और जैसे एप्पल बने हुए या फिर बच्चे कोई खिलौने बने हुए, तो उसको दिखा के उस पर भी बोलना आप सिखा सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ABCD की ला रहे हैं, या फिर ओ आ ख की ला रहे हैं, या फिर आप कोई फ्रूट बने हैं, टॉय बने हैं, उनकी ला रहे हैं, तो वो चीज़ बोल के, जैसे एप्पल है तो एप्पल उसके सामने दिखा के उस डायग्राम को, बच्चा क्या होगा उसको देखेगा और बार बार सीखेगा। और बच्चा जब उस बुक को खोलेगा या फिर उस चीज़ को, टॉयज़ को खोलेगा, तो बच्चा उसको बोलने की कोशिश करेगा। जब आप नहीं भी उसको सिखा रहे होंगे तो बच्चा अपने तरफ से भी बोलने की कोशिश करता है, फुल काफ़ी इंटरेस्टिंग उसको लगता है, ये आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नहीं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हेल्पफुल वीडियो हम आगे लेके आएँ वो आप देख सकें और उससे आपको आप उससे हेल्प ले सकें। सो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।